फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। सॉरी प्लीज बस ओफ मेरे पेट में दर्द हो गया। आप अपने उनको मेंटली अपसेट ही समझ लिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर इजहार साहब ना अगर आपके ख्यालात जान लेना तो वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। मेरा क्या कसूर है, मुझे तो खुद यही बताया गया था। जब ही मैं कहूं कि आप इतनी डरी हुई और सहमी हुई क्यों बैठी हुई हैं, बस हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैं इतना डर के बैठी हुई थी कि अगर कोई बात मेरी इनको बुरी लग गई तो मैं तो गई। मुझे बताऊँ क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये हवाई भी ना उनके किसी दुश्मन ने लगाई हुई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? अरे अस्लान साहब जी, आप यहाँ बैठे, उधर अमन बाजी पता नहीं क्यों नाराज हो गई है, बात बात पर आपकी बुराई करनी था हिसाब से। ये इसी ने उड़ाई है, इसने मुझे बताया था कि उस घर में दो पागल रहते हैं। इसने? अरे गुलाबो, यू नॉटी गर्ल। गुलाबो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अब बड़े साहब अमल बाजी के पापा उनके बारे में यही बोलते रहते हैं, मुझे क्या पता था आप सीरियस हो जाएंगी। खुदा के लिए मेरा नाम ना लेना, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। तुम एक बात बताओ ना मुझे, तुम इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती क्यों? ना जी, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। अब मैंने घर जाके थोड़ी ये बताना है अमल बाजी को कि पाप। गुलाबो, ये फंसवाएगी मुझे, माफ कर दे। वैसे तो माफी के काबिल हो तो नहीं, लेकिन दिल बड़ा है तो चलो माफ किया। अच्छा जाओ, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। पता नहीं कौन से खुफिया मंसूबे बन रहे हैं जो मुझसे छुपाए जा रहे हैं। वैसे मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे। गोरख वाकई बहुत अच्छे। और वो इजहार साहब, वो तो अच्छा खासा अदबी ज़ौक रखते हैं। मुझे लगता है मैं दोबारा जाऊंगी तो अच्छी खासी महफिल होगी। यकीन। अरे गुलाबो, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? हाँ, जा रही जा रही। बाय। I swear. मैं क्या करती? पापा। जीती रहो। भाईजान, अगर आपके पास 5-7 मिनट हो तो कुछ बात करनी थी आपसे। सुन रहा हूँ। वो कुछ मेहमान आना चाह रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो बुला लूं। मेरे घर के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं, बस उनका ताल्लुक तुम्हारे ससुराल वालों से ना हो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले मेरे लिए इंतहाई नाकाबले बर्दाश्त हैं। नहीं भाईजान, वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि अमल के रिश्ते की बात चल रही है एक जगह, आजर नाम है लड़के का, वो आपसे बात करवाई थी लेकिन वो आ नहीं सका था। ये वही है ना, वो यूके से जो फैमिली थी वही? जी, फैमिली तो भी वही है मगर लड़का पाकिस्तान आया हुआ है तो मिलना चाह रहा था। ठीक है, बुला लो। लेकिन भाईजान, मैं सोच रही थी कि अगर अमल का वहां रिश्ता हो गया तो अमल इतनी दूर चली जाएगी। देखो, तुमने बहुत दूर पहुंचा दिया, और इतनी दूर की मत सोचा करो। लड़के को बुलाने का कहा है, कोई रिश्ता तय तो नहीं कर दिया ना? आएगा, उससे मिलेंगे, देखेंगे हमने रिश्ता करना या नहीं करना। थैंक यू भाईजान, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। दिल खुश हो गया? जी। तो जाओ फिर, मैं कुछ काम करी। हाँ तो आप करें, आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं मुझसे? आपको नहीं जरूरत इजाजत मांगने की। ठीक ही तो कह रहे हैं भाईजान, लड़के से मिलने में हर्जी क्या है, बाकी आगे अमल की मर्जी, जहां उसका इंटरेस्ट होगा मैं तो उसी का साथ दूंगी। वैसे भी जो मुझे नजर आ रहा है, अमल के लिए वही बेहतरीन ऑप्शन है। क्या मतलब गुलाबो? ये इजलान फिर नेबर आंटी के पास गया था। हाँ जी, पता नहीं क्या क्या मंसूबे बन रहे थे, बड़ी दोस्ती हो गई है दोनों में।
क्या बातें हो रही थी? वो तो अजलान साहब जी ने डांट कर मुझे वहां से जाने को कह दिया था। गुलाबो, अपने मोटे से दिमाग पे छोटा सा जोर डालेगी ना तो याद आ जाएगा। याद कर करना। बड़े साहब जी का जिक्र कर रहे थे, मुझे पहले ही शक था। क्या बातें कर रहे थे? बड़े साहब की तारीफ कर रहे थे। तारीफ है पे तारीफ है। तो झपक लो, क्या हुआ? नसल लगाओगी क्या? खुशफहमी, ऐसे वैसे घास भी नहीं डालती मैं। अरे रहने दो, यूं कहो कि अमल चांद की तमन्ना तो कर रही है पर उसको पा नहीं सकती। गोरी लड़की ऐसे ख्वाब देखती क्यों हो जिनकी ताबीर नामुमकिन? और अजलान जैसा हैंडसम वेल क्वालिफाइड फॉरेन रिटर्न लड़का, लड़की भी ऐसे ही चाहेगा ना जो कम से कम उसे कैलिबर की तो। पर तुम, दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले। ओके, ख्याल रखना। जी, मैं बात करके आपको बताती हूँ। खुदाफिज। अमल बात सुनो, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छे खानदानी लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं। पोपो, आप बुलाए ना उन्हें प्लीज, और मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप घर की बड़ी हैं, आप फैसला करें। और मैं कोई पागल हूँ जो इतने अच्छे रिश्ते को इनकार करूंगी? आप बुलाए उन्हें जल्दी, ठीक है? बुला ले, बुला ले। ये तो फौरन ही राजी हो गई, लेकिन क्यों राजी हो गई? हाय, बहुत दर्द हो रही है यार, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। है? क्या सब फैला के रख दिया तुमने? सारा कुछ सेट हुआ था, तुमने अपसेट करके रख दिया। क्या जलजला आया था यहाँ पर? हो क्या रहा है? और क्या, हर कमर में चुक पड़ गई है। ऐसा लग रहा है ये कैंटीन टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी नहीं, अब सीधी हुई है मैडम, और बातें नहीं करो, काम करो। मामा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि लड़के वाले इसको देखने आ रहे हैं या घर को देखने आ रहे हैं। तुम तो अपनी बकवास बंद करो, ये जान के तुमने ड्रामा किया पट्टी वाला ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। मम्मा देखिए, ड्रामा बोल रही है, मैं एक कतरा काम नहीं करूंगा। बात गलत तो नहीं कह रही वैसे, सिकंदर बन गया ही अभी। क्या कर? अस्सलामुअलैकुम। सलाम, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम, इधर आइए और जाइए चेंज करके आइए, हमारे साथ सफाई में हाथ बिटाइए। आपका भी तो कोई फर्ज है इस घर के मेंबर होने के नाते। ये आंटी, हो क्या रहा है? वो मेहमान आ रहे हैं। फुपो, अब सब मैं ही बताऊंगी, आप भी कुछ बताए ना। वो इसको देखने के लिए ना कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे मुफ्त में आ रहे हैं, टिकट लगाना पड़ेगा। खबरदार जो कोई हंसा आज के दिन, बिला वजह बेतों के जोक्स पे दांत निकालने की आदत हो गई आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब ये था कि रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या, कौन आ रहे हैं? हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। एंड आई एम सॉरी, इन द मिडल ऑफ दिस मेस मुझे जाना पड़ रहा है सलून। वैसे तो मेरी स्किन को जरूरत नहीं है, लश्कारे मारती वैसी, बट प्रोफेशनल मैनिक्योर पेडिक्योर सोच रही हूँ करवा लूँ। तो आप लोग ये रिमेनिंग काम कर लीजिएगा प्लीज, लड़का डिसअपॉइंट होकर ना जाए, और खासतौर पर तुम भी काम कर।
देख कर नहीं चल सकती ना तुम कभी भी। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो भाई? अब सारे काम क्या मैं करूंगी? सब गड़बड़ करके रख दिया, फिर तुम कह दोगी मेरी कमर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, सारे दर्द सबके लिए होते हैं, लेकिन मैं दर्दों के बगैर पैदा हुई थी, मुझे दर्द होता ही नहीं है किसी भी काम में, मैं बस गई आंटी। क्या क्या है? हाँ वो मैं क्या था, ये अचानक से इनको कौन लोग आ गए? बेटा रिश्ता तो बहुत अच्छा है जी, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई जी। क्यों? कि जब से ये रिश्ते वाली बात अमल को पता चली है वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई है। क्या हो रहा है इस घर में? तो आंटी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आजकल जमाना बहुत खराब हो गया। तौबा तौबा, मैं तो कहता हूँ कि पड़ोसियों को पहचानना इतना मुश्किल हो गया। एक चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे सजाए हुए लोगों ने, और ये बंदा तो फिर यूके से आ रहा है। न जाने कितनी गोरियों, कितनी कालियों, कितनी पीलियों के लिए इसने चेहरा सजाया होगा। ओ हेलो, मेरी मासूम सी फूफो को वर्गलाने की जरूरत नहीं है आपको। पर अमल, ये जो भी कह रहा है तुम्हारी हमदर्दी में ही कह रहा है ना? कौन सी हमदर्दी भाई? वो लड़का यूके से आ रहा है, मरीज से नहीं कि हम उसकी इंक्वायरी ना करा सके, और पता करा लिया हमने, बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का है कि हर लड़की ऐसा लड़का चाहे अपनी जिंदगी में। एजुकेटेड है, हैंडसम है, और प्रॉपर्टी तो इतनी है कि उसकी अपनी गिनती में नहीं आ रही। वाह 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 वाह, पर वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? सोचने की बात तो ये है। फूफो आप छोड़ें, ये देखें मेरी मेहंदी। हाय कितनी प्यारी। हाँ तो मैं मेहंदी भी लगा रही है। हाँ क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता आ रहा है और मैं खुश हूँ, सेलिब्रेट करूंगी। ये तो आप से बाहर होती जा रही है। इसने लड़के की इंक्वायरी कैसे करा ली? ये तो उसका नाम भी नहीं जानते। आंटी ये जो बाहर से लड़कियां आती है ना, इनका कुछ अता पता होता है कितनी लड़कियों से इसका अफेयर रहा हो, पता नहीं, पता कराना बहुत जरूरी होता है आंटी, ऐसे रिश्ता थोड़ी करवा देते। आंटी आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? है हाँ? नहीं कुछ नहीं। इस बेवकूफ लड़की से मजाक करना महंगा पड़ गया, इसे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। अरे कदर तो तब करेगी ना जब जानेगी। इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं, और उसकी मोहब्बत में यहां पड़ा मैं। आ लेने दो रिश्ते वालों को, देखता हूं कैसे अमल उनकी होती है। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मोहतरमा अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी। अच्छा, और पार्लर भी तशरीफ ले गई, और तो और मेहंदी भी लगवा रही। Is she mad? अमल, अमल लड़का आ गया है। यह लड़का तो बड़ा हैंडसम है। कैसी लग रही हूँ? मेकअप में तो हर लड़की अच्छी लगती है ना। मतलब अच्छी लग रही हूँ ना? अमल तुमने सोचा कि वो लड़का कितनी दूर रहता है? तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तुम उसे छोड़ के चली जाओगी। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि वो लड़का मुझे पसंद करे, बहुत पसंद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। तुम उठो उठो जाओ, और जब फूफो मुझे बुलाने का कहे तो आना। जाओ 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 जाओ। तो बात ये है मिस्टर रिजवान, आज तुम्हें भी पता चलेगा मेरे कदरदान बहुत है, मैं भी कोई आम सी लड़की नहीं हूं।
हमको यकीन ही नहीं था बाबा कि रमदा इस तरह से हमारे काम आएगा। इससे भी हमारा रिश्ता दुश्मनी से शुरू हुआ था। इसको कैसे पता चला कि बादल इस वक्त मजार पर है? आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया था। क्या मिला? पहले सिर्फ मैं मरती, अब हम दोनों मरेंगे। तुम ऐसा करो, आज रात को चनार खान को कमरा से नहीं निकलने देना। हम करता है कुछ। हमारा चेहरा को गौर से देखो, ये मौत का निशानी है। अभी दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हम को मारे। हाँ तो आज़र मियां, आप कितनी देर बाद आते हैं पाकिस्तान? अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, साल में कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन मैं यहाँ आता जरूर हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ का कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कल्चर? वैसे पाकिस्तान में जब रिश्ता करवाने आते हैं तो साथ में अपने पेरेंट्स को भी लाते हैं, क्यों आंटी? ये तो है। वेल पॉइंट। लगता है कि आप वाकिफ नहीं है इस बात से, शायद आपको मालूम नहीं। मेरी मदर को हेल्थ इश्यूज हैं, पापा उनके साथ हैं। मैं डिसीजन ले लूंगा तो वो लोग भी आ जाएंगे। मदर गार्ड अंकल, ये मेरे पेरेंट्स। अच्छा चाचू, मैं बता रहा हूँ, ये बंदा अपने काफी ज्यादा रिश्ते करवा चुका है, आप देख नहीं रहे? कितना ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है ये। और मुश्किल सवाल पूछ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ये मेरी बेटी अमल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? शी इज गुड। गुड, खातर करने की क्या जरूरत है, सब ले लेंगे ना। आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये मेरे लिए लाए? जी जी प्लीज, आपके लिए। थैंक यू सो मच। गुलदस्ता। आपने सुना होगा ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, तो आगे जाकर जो भी बना ले। जन्नत मिर्जा। आप प्लीज चाय लेना, ठंडी हो रही है। वैसे हाजिर, कोई बड़ा भाई है आपका? नहीं नहीं, नहीं होगा, याद करें ना अंकल। मुझे लगता है कि मैंने यूके में इसी शक्ल जैसे दूल्हे की कोई शादी निपटाई है पक्का। नहीं, एक शक्ल के साथ लोग होते हैं, मैंने किताब पे पढ़ा। हाँ, दो हो गए भाई साहब, पांच रह गए। आप शायद खावर की बात कर रहे हैं। खावर कजन है मेरा, लोग समझते हैं मेरा भाई है, वो भी यूके में होता है। वैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ये वैसे तो हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह घर के कामों में इंटरफेयर करते, ऐसा लगता है घर के दादाजी यही है। हमारे घर में हमसे ज्यादा होते हैं। अमल, अज़लान ना बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है ना। थैंक यू आंटी। आप प्लीज ये सैंडविच लेना, गुलाब वो बहुत अच्छे बनाती है, ये वाले बेकरी से हैं। और आप क्या अच्छा बनाती हैं? कागज, उल्लू, लाइन। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यंग मैन। यंग मैन, ये अमल तो बहुत खुश है, लगता है दिल से राजी। अब तेरा क्या होगा चौधरी अज़लान? जी हाँ, एक्सक्यूज मी। और तुम कह रही थी वो हनी का फोन नहीं उठा रहा, और वो तो मेरी कॉल का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं तो पहले ही किया है, लड़का ही बेकाबू है। हाँ, उन्हें काबू रखो वरना रस्सियां तोड़ाएगा तो नस जाएगा। वो ऐसे कैसे नस जाएगा, मैं उसकी ट्रेडमिल बंद नहीं कर दूंगा। तो छेती छेती फोन करो, पता करो कि बेबे नाल मसरूफ है, जरा फोन करने का टाइम ही नहीं है। मैंने कहा ना मिस हनी कि मैं बिजी हूँ। हनी नहीं, हनी का मामू बोल रहा हूँ। हनी का अबू तुम्हारा मामू बोल रहा हूँ। वही मामू हुआ जिसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई तुम पे निछावर कर दी है, और दो चार पैसे आने पे तुम मामू को ही भूल गए। मामू मैं जरा ऑफिस में हूँ, कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। अबू तेरा ऑफिस में क्या, मामू का फोन अटेंड करने पे जुर्माना लग जाता है, या मामू का सारा अदब एहतराम ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हो?
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਓ ਸਰ। ਅਜ਼ਲਾਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ? ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹੈਲੋ, ਲਓ ਜੀ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਅੱਬੇ ਕੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਪਕੜੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਏ ਔਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੇ। ਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ, ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਭੀ ਕਭੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਾ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਇੱਕ ਜੁਲਾਬ ਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਸਕੇ ਨਵਾਬ ਸੇ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਬ ਵੀ ਉਨਕਾ ਫੋਨ ਆਤਾ ਨਾ ਯੇ ਅੱਗ ਵਾਗ ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਵਾ ਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬਸੂਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ। घूमो, क्या बात है? इस घर में ना मेरी किसी को परवाह नहीं है। ये क्यों कहा तुमने? यार देखो ना, कभी बड़े मामू की शादी की बातें हो रही होती हैं, कभी छोटे मामू की शादी की बातें हो रही होती हैं, अब तो तुम्हारा भी रिश्ता आ चुका है, मुझे तो कोई किसी खाते में लेता ही नहीं है। मुश्किल से एक लड़की पे चांस लेने की कोशिश की थी, वो भी पराई हो गई। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई शादी वादी नहीं करी अभी। है? मामा भी राजी, मामू भी राजी, और तुम भी तो उस दिन सज सवर के उसके सामने हंस हंस के बातें कर रही थी। हाँ तो तभी घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए ना, और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी मैं। ये लारा ना तुमने अजलान को भी लगाया था कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अजलान वो लड़का जो खुद किसी दोस्त के घर में रहता है, उसका खाता पीता है, उसके लिए कहां से रिश्ता ढूंढ कर लाऊं? और वो जो जॉब करता है, वो उसके किसी दोस्त के पापा ने उस पे तर्स खा के उसको दी हुई है। कोई पता नहीं किसी दिन पापा माजरत कर लें कि बेटा आप जैसे नलायक पे और तर्स नहीं खाया जा सकता, माजरत क्योंकि हमारा कारोबार अब खसारे में जा रहा है। अभी पाकिस्तानी लड़कियां इतनी मजबूत नहीं है कि सिर्फ शक्ल वकल देख के किसी से शादी करें। और नहीं तो क्या, पर्सनैलिटी भी होती है। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की इतना। झूठा तो मैं, शेखे भी मैं ही मारता हूँ। उस लड़की से दो दिन ही हुए तुम्हें मिले हुए, उसकी बात पे यकीन है और मेरी बात पे नहीं। इंसान की सच्चाई उसकी आंखों की झलकती है, और मुझे पूरा यकीन है आज बहुत अच्छा लड़का। झूठ तो नहीं बोलता ना वो, मेरा दोस्त बन के किसी घर पे थोड़ी रह रहा है। बिल्कुल। देखा कैसे मिर्चे लगे। अमल यार तुम अजलान को माफ नहीं कर देती, इतना अच्छा है यार वो। तुम क्या बात कर रहे थे अपनी शादी की, कौन सी लड़की? अब लड़की तो तुम ढूंढ के लाओगी ना शादी। वो लड़का जो खुद किसी दोस्त के घर में रहता है, उसका खाता पीता है, उसके लिए कहां से रिश्ता ढूंढ कर लाऊं? और वो जो जॉब करता है, वो उसके किसी दोस्त के पापा ने उस पे तर्स खा के उसको दी हुई है,
इंसान की सच्चाई उसकी आंखों की झलकती है, और मुझे पूरा यकीन है आज बहुत अच्छा लड़का। हेलो। हेलो अजलान, जो मेरा फोन उठाते उस तरह क्यों लगता है जिस तरह तुम सो के उठे हो? पता है मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला सॉल्व कर रहा था। तुम एक काम करो कि तुम फ्रीजर खोल के ना आइसक्रीम खा लो, फिर फ्रेंच फ्राइज गरम करो वो भी खा लो, कबाब तल के वो भी खा लो, और ब्रोस्ट वगैरह पड़ा होगा, मैं कहता हूँ किचन में जितना सामान पड़ा है ना तुम सब खा लो। वो तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोलो। रेडी? अच्छा, आज नवाब कबाब आया था, और आपको पता है वो मुझे देख रहा था बार बार, चोरी चोरी। अच्छा, तो तुम भी उसको देख रही थी चुपके चुपके? नहीं अजलान, क्या हो गया? आपको पता है मेरी नजरें सिर्फ आपके लिए हैं। पता है ना, झूठ बोलने वालों का मुंह काला हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें देख रहा था? बेवकूफ समझा हुआ है क्या? जल रहे हो ना, गुस्सा चढ़ रहा है ना, इसलिए इतना बात कर रहे हो। हाँ, मैं उसका सर फोड़ने बहुत जल्द आ रहा हूँ। सच्ची इतना चाहते हो तुम मुझे अजलान? मम्मी जी, अजलान आ रहा है। अमल, तुम्हारी शादी तो मैं उसके साथ होने नहीं दूंगा। अगर मुझे उसका सर फोड़ना पड़ा ना तो फोड़ दूंगा। अजलान को जनाने के लिए मैं ये क्या कर बैठी हूँ? पप्पो और पापा को तो वो रिश्ता अच्छा लगा ही था, लेकिन मुझे इखलाक दिखाने की बढ़ कर खातिर करने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा? अगर मैं पप्पो को मना करूंगी तो वो तो कभी नहीं मानेगी। क्यों खड़े हो यहाँ पर? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। लगता है याद सता रही है किसी की, या शायद किसी ने कॉल का वादा करके कॉल की नहीं। और मुझे पता है क्या लगता है? कि तुम्हारी जॉब से निकलने का इशारा मिल गया तुम्हें तुम्हारे बॉस से। मैं बेघर और बेचारा, अब ये वाहिद जॉब ही चली जाएगी तो क्या करूंगा मैं? अब सिर्फ शक्ल और सूरत देके कोई लड़की तो हाँ करेगी नहीं मेरे लिए। ये दुनिया दौलत की पुजारी जो है। कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में भोली भाली और बेवकूफ लड़कियों की काल थोड़ी है, तो मिल जाएगी तुम्हें भी कोई, या मैं ढूंढ दूंगी, इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। रेली, तुम ढूंढोगे लड़की मेरे लिए? लेकिन मुझे ना तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you.
ये दोनों इस वक्त लॉन में बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा शक कभी भी गलत नहीं था। मासूम शर्मीले बच्चे शायद भाईजान के खौफ की वजह से होंठों को सिए बैठे हैं। अल्लाह जाने इस नई मोहब्बत का क्या अंजाम होगा। इस घर में तो किसी को मोहब्बत रास नहीं आती। भाई वो अमल और ताबी दिखाई नहीं दिए नाश्ते पर। वो भाईजान दोनों टेबल पर मौजूद नहीं थे ना, इसलिए। माशाल्लाह, कितनी अहम बात की आपने कि टेबल पर मौजूद नहीं थे इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिए। मोहतरमा, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो क्यों टेबल पर मौजूद नहीं थे। क्योंकि इजहार जाएगा तो खुशखबर मार लूं। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं भाईजान, मैं तो खुद कलामी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचू। आज रात को ऑफिस में लेट हो जाऊंगा तो खाने पे इंतजार मत कीजिएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी सारी उलझने सुलझा दे बेटा। आमीन। बस आपकी दुआओं की जरूरत है आंटी। दुआ। अल्लाह हाफिज। गुलाबो ब्रीफकेस लाओ। बेचारा बच्चा उलझ कर रह गया है। ए, तुम क्यों सुबह सुबह हिना बयात खाजा बन गई? उलझन ही शुरू कर दिया। क्या उलझन है भाई? वो भैया मैंने ना आपसे बात करनी थी कि वो। हाँ नहीं नहीं, बात मैंने करनी थी तुमसे। भाई वो जिस लड़के को हमने पसंद किया था, बात करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसे फोन करो, उसे कहो जो उसके पेरेंट्स हैं वहाँ यूके में, वो आए और आके बात पक्की करें। वो ना भाईजान, वो बात ये कि वो असल में मैंने बहुत बुरी आदत है निगो तुम्हारी, या तो बात पूरी कर नहीं पाती हो या चलती हुई बात को काट देती हो। मसला क्या है भाई? मसला ये है कि मुझे ना आजकल बहुत ही वो पूरा वाला गंदा वाला ना फ्लू हो गया है। और आपको पता है कितने सारे स्ट्रेन से, सारे वायरस से फौरन एक दूसरे को लग जाता है, और मुझसे ना वो फ्लू मुझसे अंदर को लग गया है। भाईजान कल रात खांसी और नज़ले का दौरा पड़ा और जानलेवा साबित होते होते रह गया, बस अल्लाह ने जान बचाई। सब बातों का फ्लू और फ्लू का इस बात से क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक है ना भाईजान, देखें वो लोग आएंगे, हमने इस्तकबाल करना होगा, तो हम छींक रहे होंगे, वो खांस रहे होंगे, तो इस खांसने छींकने में वायरस आगे पीछे हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं सोची थी कि थोड़े दिनों के बाद उन्हें बुला लेंगे। क्यों सिकंदर? लेकिन बात तो भाईजान ने करनी, वो ना छींक रहे हैं ना खांस रहे हैं। हाँ, लड़के की माँ से तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरी अक्लबंद हमशीरा जी। माशाल्लाह, मैं ये कह रहा था कि आपने लड़के से फोन पे बात करनी है ना, तो फोन पे वायरस तो नहीं जाता, तो बात कीजिए और बुलाइए उसके पेरेंट्स को बस। अच्छा भाईजान, इस वक्त ना बड़े ठंडे पसीने आ रहे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जरा बेहतर होगी तो कॉल कर लूंगी। तुम लोगों से ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही है, हाथ है भाई किसी चीज की? ये है हमारा कोशा है आफियत। कब बड़े होगे तुम बेवकूफ कहीं के? जब तक मेरी गुमशुदा मोहब्बत मुझे नहीं मिल जाती बाजी, मैं बड़ा नहीं होऊंगा। फिर तो ढूंढते ही रह जाओगे। इधर आओ, बात करनी है तुमसे। क्या बात है? अजलान इतना चलाक और मीसना नहीं है। ये सारी करतूत ना तुम्हारी बहन की है, वो चाहती ही नहीं है कि अजलान हमसे दबके रहे, हमारी इज्जत करे और हमारी कुड़ी के साथ ब्याह करे। वो हमारी इज्जत भी करेगा और हमसे दबके भी रहेगा, तिनाले शादी भी करेगा कुड़ी से। बस कर दे, ये ख्याली पुलाव पकाना ना बस कर दे। मना भी किया था इतना मत पढ़ाओ से, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। हाँ, क्यों बुलाया? हाँ जी बैठो, तशरीफ रखो। ना ये अजलान से कब कब बात होती है? क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? ना मैंने ये तो नहीं पूछा ना कि उसके कानों में हमारे खिलाफ कौन से जहर उगलती हो तुम, बस इतना ही पूछा है कि कब बात होती है, तो बता दो। बहुत मुश्किल से बात होती है, मैसेज करती हूँ कॉल करती हूँ तो खैरियत पूछ लेती हूँ, मसरूफ रहता है वो। और इतनी भी क्या मसरूफियत है उस वेले नौजवान को,
शहर में 5-7 तो रिक्शे हैं, वो मेरा ख्याल कहते कट्ठे वो ही चलाता है सारे। हाँ हाँ भाभी जी, अब आपके खानदान में हर दूसरा बंदा रिक्शा चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिक्शे चलाने के अलावा कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं है। और मेरा जो भांजा है ना, वो यूके से इधर रिक्शे चलाने नहीं आया। देख, वो जितना तेरा भांजा है ना उतना मेरा भी है, बल्कि 100% ज्यादा भी है, क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई से मैंने उसकी परवरिश की है। कभी मैंने उसको वालिदैन की कमी महसूस नहीं होने दी। उसको माँ का प्यार भी दिया है और प्यो का प्यार भी दिया है, और सारी बरादरी गवाही देगी मेरे प्यार और मेरे एहसान की। रहने दो भाई जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देख, मुंह सबका बंद रहना, इसी में सबकी भलाई है। अब जा कर रही है, बात तो पूरी सुन के जा। देख, वो तेरी बहुत इज्जत करता है, तेरी हर बात मानता है। उसको प्यार से समझा कि दामाद तो वो इसी कार का बनेगा। अपनी भैन की रुखसती कराओ पहलवान जी। हाँ, हम तो इसकी मर्जी में खामोश बैठे, पर बिरादरी वाले कहते हैं अब इसका ब्याह हो जाना चाहिए। ये तो। तो फिर भाई जी, अजलान से बात करनी है कि नहीं? चुप कर जा, मैंने सबसे कह दिया कि मेरी बहन मेरे पे बोझ नहीं है। अगर वो शादी नहीं करना चाहती ना तो कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, कर देंगे। अजलान को समझा देना याद से। जी हाँ। होला हाथ रखा कर। तो सी भी क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो मुझे? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपको ये बात अमल ने बताई? मैंने उस बच्चे की तरबियत ऐसी नहीं की है कि वो अपने मुंह से इस तरह की बात करे। तो फिर अजलान ने कही ये बात? नेक शरीफ खानदानी बच्चा है, कर सकता है वो इस तरह की बात? तो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता रही, जो मैं कह रही हूँ ना, 16 आने सच है। तुम जरा नोट करो, जिस दिन से ये रिश्ता आया ना, दोनों मासूम बच्चों की शक्लें उतर गई हैं। रातों को जाग जाकर अजीब भूत प्रेतों की तरह फिरते रहते हैं। इसका मतलब ये है बाजी कि तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। अब होगा क्या? भाईजान को तो वो रिश्ता पसंद आ गया, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनकी चहेती बेटी उनका रिश्ता ठुकरा के किसी और से शादी करे? ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ करो ना सिकंदर। इस बार बाजी जीत मोहब्बत की होगी। मगर कैसे? ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता नहीं होगा। फिर भी देखो चले है, चले है, चले है।